तो हेलो गाइस, मेरा नाम है विजय और ले आया हूँ मैं आपके लिए एक और नई वीडियो। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वैगनार के सीरीज़ की मैट फ्लोरिंग, जो कि ये भी अपनी ही गाड़ी है। तो इसमें फ्लोरिंग इसलिए बिछवानी पड़ी क्योंकि आप डस्ट देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा है। जो कि ये डस्ट है, ये नॉर्मली आपके कपड़े से साफ़ करने से नहीं निकलता है, जिसके लिए हमें वैक्यूम मरवाना पड़ता है और वैक्यूम की बार बार कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, और उसके लिए हमें बार बार शॉप पे जाके वैक्यूम करवाना पड़ता है, हवा मरवानी पड़ती है। तो ये है भैया, गौरव भैया की शॉप है जिससे हम काम करा रहे हैं। तो इनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको कुछ एक्सेसरीज़ करवानी है तो काफ़ी अच्छी कॉस्ट पर भाई काम कर देते हैं। और ये मैट फ्लोरिंग बिछवाने के लिए हमें सारी की सारी सीटें खोलनी पड़ती है क्योंकि इसकी प्रॉपर फिटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए हम इसकी सारी सीटें खोलने वाले हैं और फिर इसकी अच्छे से नीचे सफाई करके, जो ये डस्ट आपको दिख रहा है इसके ऊपर हम नहीं बिछाएंगे, पहले इसको साफ़ करेंगे उसके बाद फ्लोरिंग बिछाएंगे। तो आगे का प्रोसेस आप देखिए, सीटें कैसे खोलते हैं। तो लगभग सारी सीटें खोल दी गई है और पीछे वाली सीट खोलने की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ से ऐसे ही काम हो जाता है। तो इसके तकरीबन सारे प्लास्टिक के पार्ट हटाए जा चुके हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर फिटिंग एक देनी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, इसमें एक दिक्कत हो गई है, भैया ने कहा है कि ये हाथ से साफ़ नहीं होगी, कुछ ज़्यादा ही गंदी हो रखी है। तो अभी हम एक सीट हमने ड्राइवर साइड की लगवा ली है ताकि हम इसको ड्राइव करके और दूसरी शॉप पे जाके इसमें हवा या वैक्यूम करवा के आ जाए। तो गाइस, हम फाइनली निकल चुके हैं गाड़ी में वैक्यूम करवाने के लिए, और ये हमारे एक छोटे भाई है, ये भी हमने ऐसे ही बिठा रखे है गाड़ी में। तो अभी आपको दिखाते हैं वैक्यूम का भी प्रोसेस कैसे लगती है। तो ये नॉर्मली आप धुलाई वालों के पास जाके और वैक्यूम और हवा दोनों मरवा सकते हैं। इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तेज होता है काफ़ी, जो कि मैक्सिमम 10 से 5 मिनट में सारी डस्ट और धूल जितनी भी है वो सारी बाहर कर देता है। तो आप देख सकते हैं कितना तेज इसका प्रेशर है, क्योंकि ये जो अपने नीचे वाली सीट है ये कपड़े की होती है, इसमें से डस्ट ऐसे नहीं निकल पाता। तो गाइस, ये अपनी फ्लोरिंग है जो कि वैगनार के सीरीज की है। ये हर गाड़ी की अलग अलग आती है, तो इसकी आपको क्वालिटी हम एक बार दिखा देते हैं कैसी कुछ क्वालिटी है इसकी। तो गाइस, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और फाइन है, आपको दिख रही होगी। और ये वाटरप्रूफ होती है गाइस, इस पर आपका ये लगाई ही इसलिए जाती है ताकि आपका कोई भी इस पे लिक्विड कोल्ड ड्रिंक या कुछ पानी या कुछ भी अन्य पदार्थ गिरता है तो वो आपका नीचे वाली सीट जो है वो गीली हो जाती है। तो इसके लगने के बाद आपका वो सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाती है, जो कि आप इस पे कुछ भी गिर जाता है तो कपड़े से इजीली साफ़ कर सकते हैं। और इसको एक प्रॉपर कटिंग करके फिटिंग करना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर इसकी प्रॉपर कटिंग प्रॉपर फिटिंग नहीं दी तो भी ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल और अच्छा नहीं लगता। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, भैया एक एक जितने भी उसमें पार्ट्स है उन सब की कटिंग करके और अच्छे से फिट करने वाले हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और
गाइस जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसी भी नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी कुछ इसका कपड़ा कुछ कुछ आपके जैसे सीट कवर्स होते हैं उसी टाइप का इसका कुछ कपड़ा रहता है, बट ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि ये नीचे फ्लोर के लिए बिछ रही है तो काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी दी जाती है, ताकि ये फटे और जल्दी से ख़राब ना हो। क्योंकि कई बार बरसात में पानी आने के कारण ये नीचे वाली सीट गीली हो जाती है, तो ये इतनी जल्दी सूखती नहीं है, जो कि आपकी एक दो हफ्ते में जाके फिर सूखती है। और ये फ्लोरिंग बिछवाने के बाद हमें वो वाली दिक्कतें नहीं आने वाली है, तो बेझिझक होके हम इसमें कुछ भी खा या पी सकते हैं। इसमें फ्लोरिंग बिछने के बाद आप सफाई बहुत ही इजीली हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। और इसमें जो है नीचे की साइड में एक कुछ ऐसे वो लगे होते हैं, जो कि इस पर ऐसे कुछ चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी बस इसको सेट करते जाओ और ये चिपक जाते हैं। तो ये कुछ प्लास्टिक के पार्ट्स भी है, जो कि एक एक करके फिट करते जा रहे हैं भैया। जैसे जैसे गाड़ी की फिटिंग होती जा रही है, गाड़ी में लुक बढ़ती जा रही है। तो गाइस कमेंट करके बताइएगा आप कि काम भैया कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं। और कभी भी आप फ्लोरिंग अगर बिछवाने आते हैं तो करीब 1.5 से 2 घंटे आप लेके आइएगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा गंदी है तो उसको क्लीन भी कराना पड़ेगा, और गाड़ी की चारों सीट्स अगर ओपन होती है तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये जल्दबाजी का काम नहीं है। इसको जितने तसल्ली और आराम से कराएंगे आप, उतनी ज़्यादा इसमें क्वालिटी फाइन आती है। तो अभी इसके जो सीट्स के जो पेच लगाने के जो कट रहे हैं उनको कटिंग किया जा रहा है, जो कि भैया बहुत ही एक्सपीरियंस से कर रहे हैं भैया। बिल्कुल ज़्यादा कटिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जहाँ जितनी जगह है बोल्ट लगने की सिर्फ उतना ही कट किया जा रहा है। काफ़ी लोग होते हैं कि वो पूरा ही काफ़ी ज़्यादा कट कर देते हैं, उनको पता नहीं लगता कि कहाँ पे जगह है कहाँ पे नहीं है, बट जिन लोगों का एक्सपीरियंस होता है वो इसको काफ़ी इजीली कर लेते हैं और उतना ही कट करते हैं जितना की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं भैया बड़े ही आराम से कटिंग वटिंग कर रहे हैं सारी। तो यहाँ पे फिटिंग सीट करने लगे हैं, सीटों की फिटिंग करने लगे हैं अभी धीरे धीरे। और जो आपको अभी ये थोड़ा बहुत दिख रहा है, जैसे कि हल्की फुल्की लूजनेस दिख रही है, वो जैसे जैसे इस पे आप यूज़ करते हो, पैर वैर रखते हो, तो उसके कारण ये धीरे धीरे सेट होता चला जाता है, उससे इतनी दिक्कत नहीं आती। वो तो आप नॉर्मली सीट कवर डलवाते हो उसमें भी आप देखते होंगे हल्का सा एयर रह जाता है अंदर की साइड में। तो कुछ ऐसी इसकी लुक है, देखिएगा इस। ओ मुझे इन भैया का काम काफी अच्छा लगता है, क्योंकि ये भैया काम कभी भी जल्दबाजी में नहीं करते हैं। ये हमेशा हमें सजेस्ट करते हैं कि भैया आप टाइम पहले से 2-2.5 घंटे लेके आए कोई भी काम करवाने के लिए, क्योंकि इनको तसल्ली से काम करना ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें हम भी सेटिस्फाइड रहते हैं और ये भी।
यहाँ पे कुछ सारी फिटिंग हो चुकी है तकरीबन, बस बैक सीट रह चुकी है अपनी एक सिंगल। तो मैं आपको दूसरी साइड से एक बार दिखाता हूँ इसका कुछ व्यू, क्योंकि फाइनली ये सब कुछ काम अपना हो चुका है। तो गाइस देख लीजिए कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ हमें कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताना कि कैसा कुछ लगा है, और आपकी कॉस्टिंग वोस्टिंग जो भी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक बार इसके पीछे का लुक भी कुछ देख लीजिए, सीटें अपनी सारी बढ़िया तरीके से फिटिंग हो चुकी है। तो गाइस वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें ऐसी नई नई वीडियो। और जिस किसी को भी भैया की शॉप पे आना हो तो मैं शॉप का एड्रेस और नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।